किसी को लाके नहीं, किसी को आके में आके नहीं, आके बैठ के और मजे में बैठ के इनके चेहरे पे मुस्कान जो देखने को मिलती है उसे मन भर जाता है। आज सबसे पहले मैं सची है माता की इस पवन भूमि को प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वर महादेव जी की भूमि, ठाकुर जी और नीलकंठ महादेव जी की भूमि, उसको प्रणाम करके मैंने हमेशा यही माना है कि जो भी अपन काम करते हैं सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद को लेना जरूरी है। उसके बाद हमारे साधु महात्मा, उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद देना भी जरूरी है। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे मंच पे आज इतने सारे, यहाँ तक कि आपका जो प्रत्याशी है वो भी उसी से आते हैं। तो आज उन सबके चरण छूने का और उनसे आशीर्वाद लेने का मौका, और फिर साथ साथ ये 33 कोटि देवी देवता जो बैठे हुए हैं मेरे सामने, उनका आशीर्वाद लेने का ये मौका। और मैं ये कह सकती हूँ, महाराज जी आप यहाँ बैठे तो हैं, भगवान के आदमी हैं, परंतु ये जो काम आप करने जा रहे हैं, जब तक ये 33 कोटि देवी देवता को बस में नहीं करोगे, जब तक उनकी चरण नहीं छूओगे, जब उनके आँख में हाथ नहीं डालोगे, जब तक उनके उनको अपने से प्रेम से नहीं बांधोगे, तो वो तपस्या पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए बालाजी एक मिनट के लिए आ जाओ, है कि नहीं है सही? आज आपकी ये आवाज सुनकर, आज आपकी ये आवाज सुनकर मुझे खुशी है, क्योंकि मैंने सिरोही में महाराज जी के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अब शांत हो गए, एक मिनट के हो जाओ चुप। हाँ, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके साथ देखे हैं। पहले दफा जब अपन जीते तो कितनी मौज मस्ती के साथ जीते, दूसरी दफा जब हम लोगों को मेहनत बहुत तगड़ी यहाँ करनी पड़ी, सब लोग अपने से आंखें चुरा रहे थे, वो भी समय हमने देखा। और आज तीसरी बार आपके सामने हम खड़े हैं, चौथी बार हम आपके सामने खड़े हैं, और मुझे तो विश्वास है कि अगर आप इनको लुभा लेते हो, अगर इनका मन अपने से बांध लेते हो, अगर इस 33 कोटि देवी देवता को खुश कर देते हो, तो अपने को रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप तो हमारे साथ हैं, हमें तो बड़ी खुशी है सुन के कि भला रहे हम आपके साथ हैं, परंतु मुझे तो 25 तारीख को देखना है भाइयों। और आज महाराज मैं पीले चावल छोड़ के जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा त्यौहार अपना हो गया दिवाली का, तो उसके लिए तो आप लोग सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, चाहे थोड़ा लेट हो, परंतु उसके साथ साथ अभी अभी 25 तारीख को हमारा दूसरा बहुत बड़ा त्यौहार, मैंने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार के लिए मैं आपके पास वो छोड़ के जा रही हूँ, ये पीले चावल इन सबको बांट देना, और इनको ये कह देना कि जब ले लिए हैं तो जरूर आके अपना वो काम करो, करके आओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दो, और वही हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप आ जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अपने सामने ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अपनी खुद की पार्टी से लड़ते हैं, कभी कभी रूप बदल के किसी दूसरे मने अलग से लड़ते हैं, और आज फिर अपनी पार्टी से फिर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा ये आपके सामने तो सीधे साधे महाराज हैं, ना वो कभी रूप बदले, जो है वो है। और मैं समझती हूँ कि सच्चे सीधे मेहनत करने वाले और उसमें पूजा पाठ जोरदार, मेरे को कि जब महाराज है तो उसको आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो पूजा पाठ देवी को संभालने का काम वो सब करते हैं, तो अगर छू भी लेते हो तो थोड़ा सा अपने को वो पुण्य मिल ही जाता है। तो आप तो बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपके लिए चलेगा, दौड़ेगा, धूपेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी जेब में हाथ नहीं डालेगा। भ्रष्टाचार महाराज जी, इस सिरोही के साथ जो जो पहले अपने आए हैं उन्होंने पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश की। हम लोगों ने हमेशा ये कहा कि ये सब हमारा परिवार है, 36 के 36 कौम जो भी हैं वो सब हमारे हैं, और उन 36 के 36 कौम को कैसे खुश करना, उनके लिए कैसे मेहनत करके उनके जो काम उनके दिमाग के हैं वो कैसे जमीन के ऊपर लाना, वो हमारे ऊपर और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने हमेशा ये कहा
कि ऊपर से मैं नहीं कह सकती कि मैं आपका फलाना काम कर दूंगी। आपसे मेहनत करके पूछना पड़ेगा मुझे, आपके गांव गांव में जाके पता करना पड़ेगा कि क्या है जो आप चाहते हो, फिर उसका नोट करना पड़ेगा। और जब आपकी सरकार आएगी तो ऐसे समय में जाके सरकार के सामने खड़े होके उस काम को करवाना पड़ेगा। झांसे नहीं चलेंगे भाई, आप प्लीज रोक दो, थोड़ा सुन लो, फिर तुम चिल्लाते रहना यार, ऐसी कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैं शायद कितना ही कहना चाहती हूँ कि हमें झांसे नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच बोलेगा, हमें ऐसा व्यक्ति जो चाहिए जो आपको बताएगा तो आपको मालूम है कि वो मर मिटेगा परंतु वो काम करके आपके लिए दे दे। ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत। मैं इसलिए इनसे पूछ रही थी कि जो काम अपने हुए हैं क्षेत्र के अंदर वो आपके पूरे हुए कि नहीं, मेरे को पहले ये बताओ। 27 लाख महाराज, 27 लाख लोग हमारे प्रदेश के अंदर उनके कर्जे 50,000 तक के माफ करके उनको सर्टिफिकेट देने का काम हमने किया है। आपके इस क्षेत्र के अंदर 10,500 ऐसे किसान हैं जिनके हाथ में सर्टिफिकेट दिया है, 50,000 रुपए उनके माफ। अब आप मुझे समझाओ, इतना बड़ा काम अपन लोगों ने किया, मैंने गौरव यात्रा की, गौरव यात्रा के अंदर मैंने आके इनके सबके सामने रिपोर्ट कार्ड दी कि ये काम हुए, सबने मुंडी हिलाया, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा अच्छा ठीक काम किया है। इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के अंदर अपन लोगों ने काम किया, 2 दिन पहले 2-4 व्यक्ति आपके बीच में आए थे और नेताजी ने कहा आपको, जैसे आपको गिनती मालूम ही नहीं है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती आपको गिनवाने का काम किया। आप भी गिने, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 10 10 पहुंच गए। फिर उन्हें 10 दिन के अंदर आपके जो भी कर्जे हैं वो सब कर्जे माफ करके मैं छुड़वा दूंगा। हो गए आपके सबके कर्जे माफ। इसलिए इतना सोना पहने बैठे हुए हो, सोने की अंगूठी लगा के बैठे हुए हो, सब मौज मस्ती में है, कितना आपका माफ कर दिया। देखो भाई साहब, आप काहे की चिंता कर रहे हो, ये तो सब कर्ज माफ करे हुए बैठे हैं। नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि 6 महीने बाद मैं आप लोगों के बीच में आई और मैंने हाथ जोड़ करके सबसे पूछा कि भाई साहब क्या गलती की थी कि आपने इस तरीके से हम लोगों को अलग करके और आपने इन लोगों को वोट देने का काम किया। सबने कहा कि देखिए, आपकी सरकार ने वादा किया, जो भी वादा किया उस वादा पूरा करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और करके छोड़ा, और हमको लगा कि ये दूसरी सरकार आ गई है, तो अगर दूसरी सरकार आती है, अगर वो भी वादा करके जाती है तो वो भी वादा अपना पूरा करेगी, इसलिए हमने चला के उनको वोट दिया, ये सोच करके कि हमारे सब कर्जे माफ हो जाएंगे। अब यहां सब लोग बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि कमर्शियल बैंक का कोई लोन लेता है तो वो कर्जा माफ करा देगा, बोलो भाई। तो फिर इनकी बातों में कैसे आ गए। ये कांग्रेस जब वादा करती है तो वादा खिलाफी तो करना ही करना उसकी आदत में है। उस समय वो वादे कहती थी तो आपको 8-10 वादे गिना के गई, आजकल उसका नाम गारंटी हो गया है, बदल बदल के नाम, ताकि आप बातों झांसों में आते रहोगे। अकलमंद लोग हैं, छोड़ते नहीं हैं। एक और वादा किया था महाराज, उन्होंने ये कहा कि हम तो बिजली देंगे आपको 24 घंटे, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घर के अंदर बिजली मिलेगी, आपको किसान की बिजली मिलेगी और हम तो फ्री बिजली भी दे देंगे आपको, और ट्रांसफार्मर